आगे देखना सभी। हाँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे वन थर्ड ऑफ 90 डिग्री, वन थर्ड ऑफ 90, वन थर्ड ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 90 डिग्री, तो 3 से 9 कट जाएगा, तो 3 वन जाती है 3 दीजा 9, 0 काट के ऊपर लिखा 30 डिग्री में था तो डिग्री लाओ, ऐसे करना था क्वेश्चन। ठीक है बाद में करना, अभी देख ले आप सभी। 110 ऑफ 10 तो वैसे ही सेम 110 ऑफ 10, 10 क्योंकि यहाँ पे एक ये है तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको ट्रैक्शन में लिख दिया मैंने, 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया 1। आगे हाउ मेनी डेज आर देयर इन 14 मंथ्स, तो सबसे पहले आपने लेना है कि एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज लिखना था यहाँ पे, वैसे तो 28 29 या 31 भी होते हैं, 30 लिख लो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, बोला नहीं है कुछ भी तो 30 लिखना था। ठीक है तो 1 मंथ 30 डेज प्लस 14 मंथ, तो 14 मंथ में कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 30, अब यहाँ मल्टीप्लाई से नहीं करना था, 14 को 3 से करें 14 3 जा बोलो 14 3 जा 42, तो 42 लिखो इस 0 को यहाँ पे चिपका दो, 42 420 डेज। यहाँ पे लिखा था कि 50 पैसे 1/4 ऑफ 1 रुपीस, क्या 50 पैसे 1/4 है 1 रुपीस का, नो क्यों, क्योंकि जब हम 1/4 निकालेंगे 50 का देखो 1/4 अच्छा 1/4 निकालेंगे इसका 1 रुपीस का, 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं 100, आगे समझो ध्यान से 1/4 ऑफ 1 रुपीस मतलब कि 100 पैसे, तो अगर ये 50 आ गया तो बात सही है, तो 50 नहीं आया तो गलत है, तो 4 से 100 कट जाएगा, 25 हो जाएगा 125 आ रहा है, जबकि ये बोल रहा है कि 50 अच्छा अगर यहाँ पे 1/4 अभी 125 होता तो सही होता, यस सर, तो ये गलत बात है, नो करना था। फैंसी ऑफ स्क्वायर गार्डन, तो फैंसी स्क्वायर गार्डन है क्या, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर गार्डन है कुछ इस तरह से, ऐसे स्क्वायर मान लो इसको सभी साइड इक्वल, अगर इसकी बाउंड्री पूरी इसका जो पेरिमीटर है पूरा कितना है 10 10 40, इसका जो पेरिमीटर है वो कितना है 40, यहां से लेकर यहां तक तो एक साइड कितनी हो जाएगी 10 पेरिमीटर को 4 से डिवाइड करना है यहां पे 40 अपॉन 4 4 बन जा 4 0 काट के ऊपर लगा दो 10 आ गया, तो 10 का सीधे आपको दिख रहा है 10 10 10 होगी तो कभी 40 बनेगा क्योंकि सभी साइड तो इक्वल है। लड़की आगे देख ध्यान से, एक क्वेश्चन ठीक इधर से बोल रहा है होगा डेसिमल में लिखा 1.147 1.47 आपने कुछ नहीं करना था, मैंने बोला लेस देन या ग्रेटर देन, तो बड़ा कौन है ये वाला है, क्यों है बड़ा, देखो डेसिमल से जो पहले डेसिमल के बाद में डेसिमल के बाद में जाओ पहले मत जाओ डेसिमल के, ठीक है आप पहले डेसिमल से पहले वाला डिजिट देखो, तो डेसिमल से पहले एक डिजिट है, डेसिमल से पहले दो डिजिट है, बस खत्म बात, दो डिजिट है बड़ा ही वाला, जब यहाँ पे सेम डिजिट हो तो चेक करो कि बराबर है तो फिर आगे जाओ डेसिमल के बाद, लेकिन डेसिमल से पहले दो डिजिट हो गए, दो डिजिट वाला नंबर बड़ा होता है तो ये बड़ा है, ठीक है। ठीक है कंचन, कंचन नहीं वैष्णवी, हाँ वैष्णवी, तो आपको बोला था 250 को कैसे सॉल्व करना है, 2 को डिवाइड करो आई से, डेसिमल में चेंज करना है तो आप डिवाइड करो, छोटे नंबर को भी बड़े नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, कैसे देखो आगे देखो यहाँ पे लिख लिया मैंने क्या, जब ये छोटा है तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे डेसिमल 0 लगा सकते हैं, डेसिमल 5 4 20 आपको बोला की डिवाइड को पहले किसमें चेंज करो, मल्टीप्लाई और इस अगले वाले फ्रैक्शन का क्या करना है, आंसर